बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाई, मकई एक अहम फसल है। हमारे काश्तकार दोस्त इस फसल को काश्त कर चुके हैं इस वक्त, और तकरीबन हर इलाके के अंदर ये 10-15 दिन 20 दिन की हो चुकी है। काश्तकार भाई, जैसे ही आप मकई का बीज काश्त करते हैं, अगर आप बीज को जहर नहीं लगाते, तो चौथे पाँचवें दिन आपको इस मकई के पौधे के ऊपर शूट फ्लाई का हमला नज़र आ रहा होता है। ये कोपल में बैठ के हमारे पौधे को ख़राब कर रही होती है, पौधा ख़राब हो जाता है। अगर आप स्प्रे नहीं करते तो आपका 80% नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये हर पौधे के अंदर शूट फ्लाई भी नज़र आ रही होती है। किस तरह से हम शूट फ्लाई को कंट्रोल कर सकते हैं, कौन सा तरीका हमें इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सा जहर हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें, ताकि फसलों के मुताबिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश वो सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि शूट फ्लाई किस तरह से मकई के पौधे को ख़राब करती है। इस जिस रकबे के अंदर हम मौजूद हैं, तकरीबन 10-12 एकड़ का ये प्लाट है, इसके अंदर आप देखें कि कोई पौधा भी आपको ऐसा नहीं बचा हुआ नज़र आएगा जहाँ इसका हमला ना हो रहा हो। करीब करके ज़रा पौधे दिखा दें जवाब भाई। ये शूट फ्लाई तो नहीं है, तो फॉल आर्मी वर्म है। इसके साथ आप इस पौधे को देख लें, ये पौधा कुछ कतरे बेहतर नज़र आ रहा है। तकरीबन 99% पौधे आपको ऐसे नज़र आएंगे जिसके ऊपर आपको कीड़ों का हमला नज़र आएगा। इस वक्त शूट फ्लाई का हमला भी खेतों के अंदर नज़र आ रहा है, और साथ में फॉल आर्मी वर्म का हमला भी खेतों के अंदर नज़र आ रहा है। जैसा कि इस पौधे को अगर आप देखें तो ये फॉल आर्मी वर्म का हमला है इसके ऊपर। इसको देखें कि इसने क्या हाल कर दिया पौधे का। अगर आप इसके ऊपर सही वक्त के ऊपर स्प्रे नहीं करवाते तो आपकी पैदावार का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। देखिए फॉल आर्मी वर्म का इस तरह से आपको फुजला नज़र आ रहा होता है बाहर, और इसके ऊपर अगर आप स्प्रे करवाते हैं तो आम जहर से ये कंट्रोल भी नहीं होता सही तरह। ये फॉल आर्मी वर्म है, इसकी बड़ी सुंडी भी हमने देखी है जिसके ऊपर वाई बना होता है, और उल्टा वाई बना होता है इसके चेहरे के ऊपर, बाल होते हैं और पीछे 4 डॉट होते हैं इकट्ठे। तो ये फॉल आर्मी वर्म है, इसका कंट्रोल करना इसे आपने किस तरह से कंट्रोल करना है ये भी आपको बताएंगे। फॉल आर्मी वर्म को इस वक्त कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है जब वो इतनी बड़ी हो जाए। इसे अगर आप गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर आपको, इसके चेहरे के ऊपर आपको उल्टा वाई नज़र आएगा, जो इसकी वाज़े निशानी है फॉल आर्मी वर्म की। देखिए जहरों की अगर बात की जाए कि शूट फ्लाई को आप, कीड़ी को आप किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको चाहिए कि आप मिक्सचर इस्तेमाल करें। एवमेक्टन और लिफोरॉन का मिक्सचर आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है, सीगा पेस्ट क्लियर के नाम से, 400 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्लोरेंट्रा नीली प्रोल जहर आपको मिल रहा होता है 50 से 60 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से, आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको आमतौर पे कोरेजन के नाम से मिल रहा होता है। इसी तरह से आप फिप्रोनिल 80% WG वाला, जो कि आपको बायर कंपनी का रिजेंट के नाम से मिल रहा होता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें से कोई भी जहर आप इस्तेमाल करेंगे शूट फ्लाई को बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन आपने एहतियात ये करनी है कि जब आप स्प्रे करें तो नोज़ल आपने ऐसी इस्तेमाल करनी है जो आप पानी जिसका कोंपल के अंदर जाए, यानी टीजेट नोज़ल इस्तेमाल करें, और इस तरीके से स्प्रे करें कि आपके जो जहर है स्प्रे का वो अंदर जाए, कोंपल के अंदर अगर पानी जाएगा, अंदर वो कीड़ा बैठा है तब वो मरेगा। अगर आपने धुआं बना दिया तो शूट फ्लाई भी कंट्रोल नहीं होगी। आशु इसी तरह से अगर आपके रकबे के अंदर आपको फॉल आर्मी वर्म, जो कि एक ख़तरनाक कीड़ा है, अगर उसका हमला आपको नज़र आ गया तो फिर आपको स्प्रे भी करना चाहिए, दानेदार जहर का इस्तेमाल भी करना चाहिए। दोनों तरीके इस्तेमाल करें ताकि बड़े अच्छे तरीके से फॉल आर्मी वर्म को आप वक्त पर कंट्रोल कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फसल का नुकसान कर जाती है, बहुत तेज़ी के साथ हमारी फसल को ख़राब कर रही होती है। फॉल आर्मी वर्म को कंट्रोल करने के लिए आपको चाहिए कि स्पिंटो रैम जो जहर है वो 100 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें, या क्लोरेंट्रा नीली प्रोल जो जहर है वो भी आप 100 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से इस्तेमाल करें। ये तो स्प्रे की बात हो गई, दानेदार जहर की बात करें तो
एमोमेक्टन और फिप्रोनिल का मिक्सचर आपको मार्केट के अंदर मिल रहा होता है, दानेदार जहर 8 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, वो आपको ओपन के अंदर डलवा दें, लेबर को कहें कि वो एहतियात से कोपल के अंदर जहर को डालें। अगर आप ये डलवा देते हैं साथ में स्प्रे भी करवा देते हैं तो फॉल लार्वियम आपके खेत के अंदर कंट्रोल हो जाता है, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा देर नहीं करनी। जब चावल के दाने के बराबर हो जाए ये सुंडी, उसी वक्त स्प्रे करवा दें। ये दानेदार जहर जिस पौधे के अंदर नहीं जाएगा वो पौधा सही तरह से नशोनुमा भी नहीं करेगा। और याद रखें कि आप DAP, पोटाश या कोई भी खाद आप इस्तेमाल कर लें, आपका पौधा जो है वो नहीं चलेगा, नशोनुमा नहीं पकड़ेगा जब तक आप इन कीड़ों का कंट्रोल नहीं करते। तो कीड़ों का बर वक्त कंट्रोल करें, जितना जल्दी हो सके कंट्रोल करें और एक अच्छी पैदावार हासिल करें। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।